जीएन भारत जन जन तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया है। कहा है कि प्रकाश पर्व के मौके पर किसान अब घर को लौटे। उनकी भावनाओं को देखते हुए तीनों कानूनों को वापस लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की जनता को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की बधाई दी है उन्होंने, और यह कहा है कि किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को उन्होंने महसूस किया है। किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देश में 100 में से 80 किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन से भी कम है। यही जमीन का टुकड़ा ही उनका सब कुछ है। पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा जमीन को और छोटा कर रहा है। 22 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है। कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान कल्याण योजना, फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाने और छोटे छोटे किसानों को उनके खातों में 1,62,000 करोड़ भेजा गया है। कृषि उपज की सही कीमत किसानों को मिले, इसकी पूरी कोशिश की गई है। कृषि बजट भी 5 गुना बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है। किसानों से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की गई है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए ईमानदारी से काम किया जा रहा है। 3 कृषि कानून लाए गए, छोटे किसानों को और ताकत मिले। वर्षों से ये मांग देश के किसान और कृषि विशेषज्ञ किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था, इस पर संसद में चर्चा भी हुई। 3 कानून बनाए गए, इसका किसानों ने स्वागत भी किया है। इसके बावजूद कुछ किसानों को अभी तक हम समझा नहीं पाए। हम पूरी विनम्रता से, अनेक माध्यमों से उनके तर्क को समझने का प्रयास किया है। शायद हमारे प्रयास में कहीं कुछ कमी रह गई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों को हम वापस लेने का निर्णय किसानों की भावनाओं को देखते हुए लेते हैं। इस मौके पर किसान आंदोलन के नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन तत्काल समाप्त नहीं करेंगे। जब कृषि कानून संसद में रद्द किया जाएगा तभी यह आंदोलन समाप्त होगा। इस मौके पर झारखंड के विभिन्न सांसद और विधायकों से प्रतिक्रिया ली गई तो पलामू के वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने इस निर्णय को स्वागत योग्य बताया, लेकिन उन्होंने कहा निर्णय लेने में सरकार ने काफी विलंब किया, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। इकतीस दिसंबर 1 जनवरी को की रात को जब नया साल प्रारंभ हुआ था, उस दिन मैं भी सिंधु बॉर्डर पर रात गुजारा था किसानों के साथ। ये तीनों कृषि कानून जो थे किसानों के अहित कर रहे थे, किसानों के हित में नहीं थे। उससे किसानों की न्यायिक शक्तियां समाप्त हो रही थी कि न्याय वो नहीं ले पा रहे थे इन कानूनों में। इन कानूनों में पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, इससे पूरे देश के किसान आंदोलनरत थे। कुछ लोग काम धंधा छोड़ के रोड पर थे, कुछ लोग काम धंधा में लगे हुए थे। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन देर से आया निर्णय है। 1 साल आंदोलन कराने के बाद ये निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं है। ये निर्णय उनको 1 साल पहले ले लेना चाहिए था। हमें लगता है कि जो लोग इर्द गिर्द घिरे हुए हैं उन लोगों में अहंकार बहुत बढ़ गया है, जिस अहंकार के चलते जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। उनको चाहे तो वो क्या कहते हैं, सामान्यतः इस प्रकार के आंदोलन होता है तो किस प्रकार से कार्रवाई होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी पावर का कोई दुरुपयोग नहीं किया। दिल्ली में किसानों ने लाल किला में जाकर के किस प्रकार से उत्पात किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। फिर जहां धरना पर लोग बैठे थे वहां भी कितना किस प्रकार से घटनाएं हुई वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भी देश के किसानों ने, भले ही छोटी समूह हो, लेकिन उनका भी बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने या देश के प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा की
तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को हमने कहा कि जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, उनको बधाई दी जाए, वो कम है। देखिए मैं कहूँगा, कभी कभी बच्चे भी जीत करता है तो माँ बाप को थोड़ा मानना पड़ता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।